हेलो नमस्ते सलाम प्रिवियत। तो फिर से आप सभी का स्वागत है मॉस्को में। आज के इस व्लॉग में मैं आप सभी को एक रूसी कब्रिस्तान यानी रशियन सेमेट्री दिखाऊंगा। आप सभी से निवेदन है कि यह वीडियो केवल रूसी सभ्यता यानी रशियन कल्चर को दुनिया तक पहुंचाने हेतु बनाया गया है और इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। आगे दिखाए गए दृश्य आपको भयभीत, बहुत भयभीत भी कर सकते हैं। अभी आपको आगे दिखाते हैं रशियन सिमेट्री जो होती है वो भी अपने आप में सुंदर ही होती है। कहने को वैसे वो सिमेट्री है पर काफी अच्छी मेंटेन करते हैं उसको। सिमेट्री का मतलब क्या होता है हिंदी में? क्या बोलते हैं? शमशान घाट। हाँ, उसे बोलते हैं शमशान घाट। तो अभी हम जा रहे हैं शमशान घाट। तो हमने बिल्कुल इसकी एंट्री ले ली है और यहाँ पे मतलब ऐसा बिल्कुल शांत माहौल है। आपको, ऐसी आपको वीडियो वीडियो देख के समझ आ जाएगा। हाँ, कितनी हॉरर से वाली वाइब है इधर। मतलब थोड़ी सी वो वाली जो वाइब्स होती है ना, वियर्ड सी वाइब आ रही है। हाँ, मतलब स्लो वाइब्स जो होती है ना, बिल्कुल आप लोग आप लोग समझ रहे हो। ये सिमेट्री है 1876 की। तो आप यहाँ पे जो सिमेट्री देख रहे हो ये 1876 की है, मतलब कम से कम 200 साल पुरानी। और इधर इस साइड भी बहुत सारी यहाँ पे कबर हैं। तो उनके रिलेटिव्स क्या करते हैं, अब भी इनके ऊपर आते हैं, फूल चढ़ाते हैं और इनके भी पता नहीं कुछ कैंडल वैंडल जलाने का वो रहता रिवाज, वो कैंडल भी जलाते हैं और ये बहुत सी बार पूरा सफाई करके जाते हैं अपने। हाँ, तो वो तो अब इसी के बराबर में जस्ट बराबर में ब्यूटीफुल चर्च ये रहा। बट यहाँ पे देखो बिल्कुल ऐसी अजीब सी है ना यहाँ की, ये जैसे वो नहीं होती मूवीज में दिखाते हैं वो इतने बड़ा हटाते हैं उसके नीचे खजाना निकलता है उस टाइप की है, बहुत पुरानी पुरानी है उस टाइप की सिमेट्री टाइप से हैं। अरे यार यहाँ पे वैसे फीलिंग सी नहीं आ रही, हंस ऑफ बास्करविले वाली। किसी ने अगर हंस ऑफ बास्करविले दिखे ना जब यहाँ पे शाम को आते हैं ना, तो ये जो पूरा एरिया है ना इधर इधर वाला जैसे इधर दिखाए वाला, ये पूरा ऐसे ही लगता है। अभी कोरे कोरे में हो जाएगा पूरा का पूरा एरिया। सर्दियों में आता हूँ, आया हूँ मैं जैसे इधर, तो सर्दियों में पूरा कोहरा कोहरा हो जाता है इधर। अच्छा, मतलब जो कोहरा पूरा ही है जो यहाँ पे सीधा पेड़ दिख रहे हैं तो यहाँ पे पूरा कोहरा हो जाता होगा, पूरा ढका जाएगा। हाँ, तो ऐसा लगता है कि अंदर कोई भाग सकता है, जो बस के नहीं था एकदम वो आता था और चला जाता था। तो बहुत बहुत बड़ा है ये अंदर, उस अंधेरे के अंदर बोल भाग गया था कोई तो। वही वही वही, किसी ने उनसे बास्कर बिल्ली देखी हो ना तो उसे समझ आएगा क्या चीज़ है। चलिए अब दूसरी जगह चलते हैं। चलो फिर और इसको हम इस पार्क को जो है और एक्सप्लोर करते हैं आगे।
ये पूरा यहाँ पे ये रिवर फ्रंट बना हुआ है पीछे की साइड का, और लोग यहाँ पे मस्त वॉक कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, काफ़ी प्यारा है। और इस साइड जो है ना पूरे वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए उधर से अलग से जगह छोड़ रखी है जंगल के लिए, तो कोई उधर जा नहीं सकता, पूरी वाइल्ड लाइफ जो है वो वहीं पर ही सेव है। इधर सेंट्री ली थी, इधर सेंट्री लेकर हम अंदर अंदर से गए, फर्स्ट ऑन फिर सिमेट्री पे गए, चर्च पे गए, उसके बाद वो वाला चर्च गए जो टे उस वाले चर्च पे गए, फिर हमने यूनिट करा और यूनिट करा ना, और वापस ऑलमोस्ट जो है हमने पूरा कवर कर चुका है, तो अब बस निकलते ही हैं। तो वॉक करते करते हम पहुँच गए हैं यहाँ पे, ये बहुत पुराना घर है, मतलब 400-500 साल पुराना ये यहाँ पे घर हुआ करता था, तो उस चीज़ की यहाँ पे पूरी ये फाउंडेशन है। बस अब इस पार्क के हम बिल्कुल एग्जिट पे आ चुके हैं, और इस तरफ इसकी एग्जिट है, तो निकलते हैं। तो हम वैसे भी 8:30 हो गए हैं, हाँ अंधेरा होने वाला है यहाँ से भागना होगा, तो अभी 8:30 हो चुके हैं और अंधेरा हो जाएगा थोड़ी देर के अंदर, 1-2 घंटे में। मेन मॉस्को सिटी से हम काफ़ी दूर हैं, तो यहाँ से हम जल्दी निकलते हैं। तो इस ब्लॉग को जो है हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, और मिलेंगे एक नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। सी यू टाटा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय।